उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद करने को मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। इन दिनों अयोध्या पर सभी की नजर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अब मौसम विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक अलग से वेब पेज लॉन्च किया है। इस पेज पर अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों की मौसम अपडेट लोगों को मिलती रहेगी। IMD द्वारा लॉन्च किए गए इस वेब पेज पर तापमान पूर्वानुमान, वर्षा और हवा के पैटर्न की जानकारी दिखाई दे रही है। यह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश सहित प्रमुख भाषाओं में 24 जनवरी तक साप्ताहिक पूर्वानुमान दिखाता है। खास बात यह है कि यह कई भाषाओं में जानकारी दे रहा है। इस पेज पर अयोध्या का 7 दिनों का पूर्वानुमान और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाला मौसम बुलेटिन भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लोगों के लिए उपलब्ध है। दरअसल 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए ये तैयारी की गई है। यहाँ आने वाले लोग पहले मौसम का हाल इस पेज पर जान सकते हैं। IMD के अनुसार 22 जनवरी को मुख्य अभिषेक समारोह के दिन न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 22.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस बीच गुरुवार को अयोध्या का तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। अब देखते हैं लोगों को कितना पता चलता है इस मौसम की जानकारी के बारे में।